गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज मैथ्स वर्क। मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 11.3 हम करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट यूनिट लीटर और मिलीलीटर इज अप्रोप्रिएट टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे कुछ लिक्विड्स दिए गए हैं और क्वेश्चन किया गया है कि इनको मेजर करने के लिए, इनको नापने के लिए लीटर या मिलीलीटर कौन सी यूनिट हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो लीटर होता है, ठीक है, लीटर कौन सी, हम कौन कौन सी चीज़ों को लीटर में माप सकते हैं। देखिए लीटर जब हम यूज़ करते हैं किसी बहुत बड़े कंटेनर का मेज़रमेंट करने के लिए हमें लीटर यूज़ करना होता है, और अगर हमारी क्वांटिटी किसी लिक्विड की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसको मेज़र करने के लिए हमें मिलीलीटर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए नंबर 1 है अ फिश टैंक। देखिए एक फिश टैंक है, फिश टैंक बड़ा होता है तो उसका मेज़र करने के लिए हमें लीटर जो यूनिट है उसका यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है अब वाटर गिलास, वाटर गिलास छोटा होता है तो उसके लिए हमने यूनिट को यूज़ किया मिलीलीटर। उसके बाद अ चाइल्ड्स बोतल ऑफ मिल्क, ठीक है, एक बच्चे की दूध की बोतल छोटी सी होती है तो उसको हम मिलीलीटर में मेज़र करेंगे। अ वाटर टैंक, वाटर टैंक की कैपेसिटी जो होती है लिक्विड की वो काफ़ी बड़ी होती है तो उसको हम लीटर में मेज़र करेंगे। अ बोतल ऑफ नेल पॉलिश, छोटी सी बोतल होती है नेल पेंट की, नेल पॉलिश की, तो उसको हम मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। ऑयल इन अ टैंक, बहुत सारा हो सकता है क्वांटिटी में तो उसको हम लीटर में, यहाँ पे हम उसको लीटर में मेज़र करते हैं। वाटर इन अ स्विमिंग पूल, तो इसको हम लीटर में मेज़र करेंगे। सिरप इन अ कफ सिरप बोतल, हम इसको मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बुक्स। फर्स्ट है 500 ml + 500 ml + 500 ml + 500 ml = 1 liter। तो ये हमारी फॉल्स होगी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा 1 liter होता है, 1 liter में 1000 milliliter बनके ये बनता है 1 liter, और यहाँ पे हमने प्लस किया तो यहाँ पे हमारा 2000 milliliter बना, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 200 ml + 200 ml + 400 ml + 200 ml, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि इनका प्लस जो है वो 1000 ml है। उसके बाद 100 ml + 100 ml, 100 ml + 200 ml, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मच मोर नीड्स टू बी एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक ईच इक्वल टू 1 liter, ठीक है। 1 liter में मैंने पहले भी आपको बताया 1000 ml से मिलके हमारा 1 liter बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फिलअप दिए गए हैं भरने के लिए, हमें यहाँ पे फिल करके कितने ml फिल करें कि यहाँ पे 1 liter पूरा हो जाए। अब देखिए 200 ml + 200 ml + 200 ml + 200 ml, ठीक है, तो ये हमारा 800 बनता है, तो हमने इसमें 200 ml प्लस किया तो 1000 ml हो जाएगा, उस यानी कि 1 liter 200 ml + 100 ml + 200 ml। अगर हम यहाँ पे 500 ml प्लस करते हैं तो हमें 1 liter मिलेगा। 300 ml + 200 ml + 500 ml, हमने यहाँ पे 200 फिल किया है तो हमें यहाँ पे 1 liter यानी कि 1000 ml मिले हैं। 100 ml + 100 ml + 800 ml, हमने यहाँ पे 800 ml प्लस किया है तो हमें 1000 ml मिले हैं। 100 ml + 400 ml + 500 ml, हमने यहाँ पे 500 ml फिल किया है तो हमें 1 liter यानी कि 1000 ml मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी 200 ml मेक 1 liter, ठीक है, कितने 200 ml 1 liter बनाते हैं, तो 5। हाउ मैनी 250 ml मेक 1 liter, कितने 250 ml मिलके 1 liter बनते हैं, तो वो होगा 4। हाउ मैनी 500 ml मेक 1 liter, कितने 500 मिलके 1 liter बनते हैं, वो आंसर होगा 2। हाउ मैनी 100 ml मेक 1 liter, 100 ml कितने होंगे कि 1 liter बन जाए, वो होंगे 10। हाउ मैनी 500 ml मेक 1 liter, हाउ मैनी 50 ml मेक 1 liter, कितने 50 ml
बन के यहाँ पे एक लीटर बनता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द टू थिंग्स दैट यू बाई इन लीटर, क्या आपको टू थिंग्स के नाम बताने हैं जिनको आप लीटर में खरीद सकते हैं, तो वो होगा हमारा मिल्क और ऑयल, ठीक है, दूध और तेल, इनको हम लीटर में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द थिंग्स दैट यू बाय इन मिलीलीटर, ठीक है, हमें टू थिंग्स के नेम बताने हैं जिनको हम मिलीलीटर में खरीद सकते हैं, तो वो हो सकता है कफ सिरप और नेल पॉलिश, इनको हम मिलीलीटर में खरीद सकते हैं। तो ये आपकी 11.3 एक्सरसाइज है, सब बच्चे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बुक में फिल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।